हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीके इलेक्ट्रिकल। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर सीवीटी एग्ज़ाम के लिए मैराथन क्लास है, जिसमें मैं आपको निमी मॉक टेस्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? राइट आंसर डी, सूचनात्मक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि का समन क्या है? राइट आंसर डी, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? राइट आंसर बी, कंपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? राइट आंसर डी, स्टेप 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? राइट आंसर सी, राउंड नोज प्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंसर का क्या उपयोग है? राइट आंसर सी, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? राइट आंसर ए, आवश्यक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल श्रेणी में संचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? राइट आंसर सी, पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, हेलोन प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? राइट आंसर सी, भस्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, नाक कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी, क्रेन और शिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, PE का नाम क्या है? राइट आंसर डी, हाथ स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? राइट आंसर बी, पुनर्चक्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? राइट आंसर डी, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? राइट आंसर बी, जैविक नुकसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस औजार का क्या उपयोग है? राइट आंसर सी, लकड़ी से कीले निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? राइट आंसर डी, होठों के चारों ओर नीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस औजार का क्या नाम है? राइट आंसर डी, डायगोनल कटिंग प्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? राइट आंसर बी, आवश्यक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? राइट आंसर डी, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है? राइट आंसर डी, संयोजकों को अलग करके
शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संकेतक चिन्ह का नाम क्या है? राइट आंसर डी, पैदल क्रॉसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है? राइट आंसर बी, पहले 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? राइट आंसर डी। इस गेज का क्या उपयोग है? राइट आंसर ए, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस रेती का क्या नाम है? राइट आंसर ए, राष्प कट रेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस औजार का क्या नाम है? राइट आंसर बी, आंतरिक कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है? राइट आंसर बी, असमान सिकुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग है? राइट आंसर बी, लकड़ी में आयताकार छेद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी, हैचेट स्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? राइट आंसर डी, हीरा पॉइंट छेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है? राइट आंसर बी, जेनी कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? राइट आंसर बी, टेपर शैंक बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, वर्गाकार स्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISO मैट्रिक फाइन थ्रेड M12 × 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? राइट आंसर बी, थ्रेड का पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? राइट आंसर ए, गांठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर सी, त्रिभुजाकार रेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। राइट आंसर बी, हील। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस औजार का क्या नाम है? राइट आंसर ए, जेनी कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है? राइट आंसर बी, पॉइंट कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्मर छेनी का क्या उपयोग है? राइट आंसर बी, सामान्य छेनीकरण कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जोब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है? राइट आंसर सी, मध्य लैप जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, बी नोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है? राइट आंसर डी, सीट को क्षति से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? राइट आंसर डी, अनियमितता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस हथौड़े का क्या नाम है?
राइट आंसर ए कला हथौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? राइट आंसर डी कपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सींट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नोच का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर डी सीधा नोच। क्रॉस कट ठंडी छैनी का क्या उद्देश्य है? राइट आंसर ए कीवेज काटने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार का नोच प्रयोग होता है? राइट आंसर ए विनोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है? राइट आंसर बी की होल आरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है? राइट आंसर सी ब्लोहॉर्न स्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, औजार का क्या नाम है? राइट आंसर बी टैक्स हथौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छैनी का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर बी जालीदार छैनी। 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा बहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया है? राइट आंसर सी 26 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, SWG से तार का आकार मापने की परास क्या है? राइट आंसर डी 0 से 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तार जोड़ का क्या नाम है? राइट आंसर बी नोटेड टेप जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ए डिप सोल्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है? राइट आंसर ए वेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, XLPE का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर सी क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है? राइट आंसर डी आर्मी रिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है? राइट आंसर बी लघु परिपथ दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर बी हवा में रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे के परमाणु आवद्ध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? राइट आंसर ए एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? राइट आंसर डी गैस आयनीकरण प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? राइट आंसर डी मेगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण करता है? राइट आंसर बी पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोपरि लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ उपयोग किए जाते हैं? राइट आंसर डी वेस्टर्न यूनियन जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है?
राइट आंसर बी केयर अल लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिघले हुए शोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर ए टीन का भाग कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल के पीवीसी चालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? राइट आंसर डी कुचालक प्रतिरोध घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? राइट आंसर बी डक्ट पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस भूमिगत केवल में एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है? राइट आंसर डी लैड सीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत केवल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? राइट आंसर बी लघु परिपथ दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत केवल में कौन सा भाग धात्विक कवच को से बचाता है? राइट आंसर बी बैडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? राइट आंसर ए यह जलने व अग्नि को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस जोड़ का क्या नाम है? राइट आंसर ए मैरिड जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? राइट आंसर डी सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है? राइट आंसर सी सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? राइट आंसर सी पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्टेड भूमिगत केवल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। राइट आंसर सी लैड सीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केवल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? राइट आंसर सी बिटुमिन्स यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत केवल में वेडिंग का क्या उद्देश्य है? राइट आंसर डी धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत केवल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? राइट आंसर ए लूप टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है? राइट आंसर डी प्रत्येक चालक का व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है? राइट आंसर सी 35 महों प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? राइट आंसर सी 0.81। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत केवल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में होता है? राइट आंसर बी फेज चालक से आधा। इस औजार का क्या नाम है? राइट आंसर सी क्रिम्पिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? राइट आंसर सी 4.55 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु
सोल्डिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? राइट आंसर बी, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? राइट आंसर बी, अधिक लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 एम्पियर केवल की धारा क्षमता क्या है? यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है। राइट आंसर बी, 13 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? राइट आंसर बी, कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी, विभवांतर प्लस वोल्टेज पात। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल की पास की अधिकतम धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? राइट आंसर सी, 1.23। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? राइट आंसर वी, कम लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? राइट आंसर बी, अपर्याप्त ऊष्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है यदि वोल्टमीटर को एमीटर की तरह जोड़ा जाता है? राइट आंसर ए, कम पाठ्यांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? राइट आंसर डी, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? राइट आंसर सी, वेयर कंडक्टर्स। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? राइट आंसर सी, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर डी, जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्योन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है? राइट आंसर ए, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। राइट आंसर डी, 2.5 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? राइट आंसर डी, 625 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है? राइट आंसर डी, किरचॉफ का दूसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 वाट 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। राइट आंसर बी, 100 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा? राइट आंसर बी, अनंत पाठ्यांक पर संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए? राइट आंसर बी, 4 गुना तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का क्या नाम है? राइट आंसर बी, तार बंधे हुए प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। राइट आंसर बी, 23 गुणा 10 की पावर 4 प्लस माइनस
10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम मीटर को अरेखीय क्रम में क्यों समंजित किया जा सकता है? राइट आंसर बी, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध आरडीसी का मान ज्ञात कीजिए जब पीएबी 500 ओम, क्यूबीसी 300 ओम, एसएओ 15 ओम हो। राइट आंसर बी, 9 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है? राइट आंसर ए, अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी हैं? राइट आंसर सी, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर परिपथ में आर टू का मान ज्ञात कीजिए। राइट आंसर सी, 6 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? राइट आंसर सी, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? राइट आंसर सी, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, वैरिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग कूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। राइट आंसर सी, 25×10³ ±5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध आरडीसी का मान ज्ञात कीजिए जब पीएबी बराबर 400 ओम, क्यूबीसी बराबर 200 ओम, एसएडी बराबर 12 ओम हो। राइट आंसर बी, 6 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? राइट आंसर डी, वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है? राइट आंसर सी, खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान बताइए। राइट आंसर डी, 12 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AV को लघु पथित कर दिया जाए? राइट आंसर ए, परिपथ प्रतिरोध 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है? राइट आंसर बी, सेंसिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? राइट आंसर ए, धारा गुणा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालकता की इकाई क्या है? राइट आंसर ए, महो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? राइट आंसर डी, तापमान गुणक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर बी, चल कुंडली वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज पात मान बताइए।
राइट आंसर बी 10 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? राइट आंसर ए परिपथ में फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ओम से 100 किलो ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर सी व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? राइट आंसर सी ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधक के प्रतिरोध का क्या मान है? राइट आंसर बी 3300 प्लस माइनस 10% ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में संट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है? राइट आंसर सी संकेतक की शून्य स्थिति को समंजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है? राइट आंसर बी धारा का वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है? राइट आंसर बी 2 गुना कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टेज पात की गणना कीजिए। राइट आंसर डी 100 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए? राइट आंसर बी घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का क्या सूत्र है? राइट आंसर बी धारा गुणा वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 वाट 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना करें। राइट आंसर सी 312.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है? राइट आंसर डी अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम 220 ओम 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोधों में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा? राइट आंसर डी 560 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या है? राइट आंसर सी 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? राइट आंसर डी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। राइट आंसर बी 6 माइक्रोफेराड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारिता की इकाई क्या है? राइट आंसर सी फेराड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संधारित्र का धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता हो? राइट आंसर ए 0.014 फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है? राइट आंसर सी प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर सी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की
ध्रुवीयता को प्रभावित करता है? राइट आंसर बी, धारा की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय वाहक बल की क्या इकाई है? राइट आंसर सी, एम्पियर टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तीन प्रेरकत्व श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या है? राइट आंसर बी, एल टी बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमिएंस की इकाई क्या है? राइट आंसर बी, वेबर प्रति एम्पियर टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? राइट आंसर बी, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। राइट आंसर ए, 4 माइक्रोफेराड। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरती जानी चाहिए? राइट आंसर बी, प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? राइट आंसर बी, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, VH वक्र में X द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। राइट आंसर ए, कोर्सिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलक्टेंस की इकाई क्या है? राइट आंसर सी, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज B है तो संधारिता C की सही अभिव्यक्ति क्या है? राइट आंसर ए, सी बराबर क्यू अपॉन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? राइट आंसर ए, क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है? राइट आंसर ए, हिस्टेरेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर सी, भंवर धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? राइट आंसर डी, रेडियो रिसीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? राइट आंसर बी, अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर ए, लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर ए, टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का बीएच वक्र का आकार क्या दर्शाता है? राइट आंसर सी, पदार्थ की चुंबकीय विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? राइट आंसर सी, आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमिएबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है? राइट आंसर बी, फ्लक्स घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है? राइट आंसर ए, यह कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा?
राइट आंसर डी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? राइट आंसर ए दिशीय विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर ए वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? राइट आंसर ए प्रेरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या है? राइट आंसर ए बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का कार्य क्या है? राइट आंसर बी प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है? राइट आंसर ए प्लेटों का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी मोनोलिथिक। सस्पोटेंस की इकाई क्या है? राइट आंसर ए महो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा जो 240 वोल्ट पर 5 एम्पियर धारा ले, 50 हर्ट्ज आपूर्ति, 0.8 शक्ति गुणांक है? राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? राइट आंसर बी संधारिता मान में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन कला रिएक्टिव पावर को निकालने के लिए क्या सूत्र है? यदि लाइन वोल्टेज बीएल और लाइन करंट आईएल हैं? राइट आंसर सी पीआर बराबर √3 बीएल आईएल साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर सी अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार संयोजित सिस्टम में तीन कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या है? राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन कला बिजली मापन में 2 वाट मीटर की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है? राइट आंसर सी W1 W2 के बराबर है लेकिन विपरीत संकेतों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या है? राइट आंसर सी 339.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है? राइट आंसर डी PR बराबर BI साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, R बराबर 5 ओम, XL बराबर 36 ओम और XC बराबर 24 ओम है तो परिपथ में प्रतिबाधा की गणना कीजिए। राइट आंसर सी 13 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल फेस AC परिपथ में कलांतर कितना होता है? राइट आंसर ए 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज तथा फेज वोल्टेज में संबंध बताइए। राइट आंसर ए BL बराबर √3 BP। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3000 वाट संतुलित भार 0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में संयोजित तीन कला 415 वोल्ट 50 HZ आपूर्ति है, लाइन धारा की गणना करें। राइट आंसर बी
5.2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन कला शक्ति मापन में दो वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या है? राइट आंसर बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जो 5 एम्पियर की धारा 240 वोल्ट 50 HZ AC आपूर्ति पर लेती हो। राइट आंसर सी 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, RLC परिपथ के प्रतिबाधा की गणना करने का सूत्र क्या है? यदि प्रेरकीय प्रतिघात धारितीय प्रतिघात से कम है। राइट आंसर डी Z बराबर √R² + XC - XL का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध R बराबर 15 ओम, परिणामी प्रतिघात X बराबर 20 ओम में 240 वोल्ट 50 HZ AC आपूर्ति से जुड़े RLC परिपथ के शक्ति गुणांक की गणना करें। राइट आंसर बी 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 240 वोल्ट 50 HZ AC आपूर्ति और 8 एम्पियर धारा प्रवाह वाले जुड़े RLC समांतर सर्किट के मान एडमिटेंस की गणना करें। इसके माध्यम से करंट पास किया जाता है। राइट आंसर सी 0.033 महो। नेक्स्ट क्वेश्चन, RC समांतर परिपथ में लाइन धारा की गणना करने का सूत्र है। राइट आंसर डी IL बराबर √IR² - IC². नेक्स्ट क्वेश्चन, AC परिपथ में कम शक्ति गुणांक को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? राइट आंसर डी संधारित्रों को समांतर में जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच क्या संबंध है? राइट आंसर सी IL बराबर √3 IP। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर डी टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3-phase सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टार से जुड़े 3 कला भार की आभासी शक्ति की गणना करें। अगर यह 0.8 शक्ति गुणांक पर 3 कला 415 वोल्ट 50 HZ आपूर्ति से जुड़ा है और फेज धारा 10 एम्पियर है। राइट आंसर डी 7.188 KVA। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कला शक्ति माप में दो वाट मीटर विधि में से यदि एक शून्य पाठ्यांक हो और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक है तो शक्ति गुणांक क्या है? राइट आंसर ए 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या है? राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, AC समांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है? राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस AC परिपथ में वोल्टेज और करंट के बीच का कला संबंध होता है? राइट आंसर बी प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन कला प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट है और आभासी शक्ति 5 KVA है तो प्रतिक्रियाशील शक्ति की गणना करें। राइट आंसर सी 3 KVAR। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आरएलसी श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा? राइट आंसर बी, प्रेरकीय प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन कला दो वाटमीटर विधि में वाटमीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे? राइट आंसर सी, मीटर में दबाव कुंडली के संयोजन बदलने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्या वक्रीय एसी के लिए फॉर्म फैक्टर क्या है? राइट आंसर बी, 1.11। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है? राइट आंसर डी, सस्पेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा एवं वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया है? राइट आंसर ए, धारा एवं वोल्टेज समान कला में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वाट मीटर विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें। यदि एक वाट मीटर रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है। राइट आंसर सी, W1 - W2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी तीन कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है? राइट आंसर सी, तीन तार डेल्टा संयोजित सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? राइट आंसर सी, 415 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या है? राइट आंसर ए, प्रभावी मान बटे औसत मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएलसी श्रृंखला सर्किट के प्रतिबाधा की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन फेज शक्ति माप की दो वाटमीटर विधि में यदि एक वाटमीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या है? राइट आंसर डी, 0.5 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन कला एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है? राइट आंसर बी, 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति को अनुनाद आरएलसी सर्किट कहा जाता है? राइट आंसर सी, एक्सएल बराबर एक्ससी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का घूर्ण होता है? राइट आंसर सी, फेसर परिमाण। कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? राइट आंसर ए, फोटोवोल्टेइक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं? राइट आंसर सी, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है? राइट आंसर बी, M = ZIT। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? राइट आंसर डी, एम्पियर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती हैं। राइट आंसर ए, बकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश की क्या इकाई है? राइट आंसर डी, कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? राइट आंसर डी, 2.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम समय में उच्च दर से
बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? राइट आंसर बी, बूस्ट आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है? राइट आंसर डी, रासायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? राइट आंसर बी, स्पॉन्ज सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है? राइट आंसर बी, कैथोडियम सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? राइट आंसर सी, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा? राइट आंसर सी, लघुपथित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है? राइट आंसर ए, धारा रेटिंग का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? राइट आंसर डी, तापमान में कमी के साथ कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है? राइट आंसर डी, विद्युत अपघटय का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है? राइट आंसर बी, एम बराबर जेड आई टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघटय की तरह क्या उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है? राइट आंसर ए, 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा? राइट आंसर बी, लेड पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? राइट आंसर ए, गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकालने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? राइट आंसर बी, ट्रिकल आवेशन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है? राइट आंसर सी, बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? राइट आंसर डी, 1.1182 mg प्रति कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? राइट आंसर सी, लेड सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है? राइट आंसर सी, धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघुपतन होने से रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर बी, हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? राइट आंसर बी, SCR उपयोगित इन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर ए, इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या है? राइट आंसर डी, 4.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है? राइट आंसर बी, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा? राइट आंसर बी, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है? राइट आंसर डी, जस्ता प्लेट का अमलगम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम बराबर जेड आई टी सूत्र में जेड अक्षर किसे इंगित करता है? राइट आंसर बी, विद्युत अपघटय का ECE। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? राइट आंसर ए, 0.329 MgY कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है? राइट आंसर ए, अति आवेशन या अति निरावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, उच्च दर निरावेशन टेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है? राइट आंसर बी, एनोड। पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? राइट आंसर बी, 1.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडररराइटर की गांठ का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर डी, सामान के टर्मिनलों से तनाव कम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज कौन से प्रकार का है? राइट आंसर बी, हाई रपचरिंग क्षमता फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत सामग्री का नाम क्या है? राइट आंसर बी, एडिसन स्क्रू प्रकार होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है? राइट आंसर डी, प्लग और सॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल श्रेणी MCV के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है? राइट आंसर बी, गीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का स्विच सर्किट में उपयोग करते हैं? राइट आंसर बी, दो बेस स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने पर क्या प्रभाव होगा? राइट आंसर डी, गर्मी के कारण केबल खराब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंड्यूट सामग्री का क्या नाम है? राइट आंसर सी, निरीक्षण बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच
एक लैंप को तीन अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? राइट आंसर बी दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसील्ड वायरिंग का क्या फायदा है? राइट आंसर डी नमी से सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरेख का नाम क्या है? राइट आंसर डी परिपथ आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक क्या है? राइट आंसर बी 1.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के रिले को AC और DC दोनों में संचालित किया जा सकता है? राइट आंसर सी आवेग रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? राइट आंसर सी सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामग्री प्रतीक का नाम क्या है? राइट आंसर डी बहु स्थिति एकल ध्रुव स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है? राइट आंसर डी ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है? राइट आंसर सी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे के फ्यूज तार पर टीन कोटिंग का क्या उद्देश्य है? राइट आंसर सी तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार कुचालित चालकों के समूह का क्या नाम है? राइट आंसर सी क्वाड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने दो तरह के स्विच आवश्यक हैं? राइट आंसर बी तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है? राइट आंसर डी कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रतीक क्या दर्शाता है? राइट आंसर बी छत का पंखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिले का नाम क्या है? राइट आंसर बी ड्राई रीड रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरेख का नाम क्या है? राइट आंसर सी स्थापना योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICDP मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है? राइट आंसर सी एकल फेज घरेलू स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है? राइट आंसर बी सीलिंग रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, DC श्रृंखला MCV का अनुप्रयोग कौन सा है? राइट आंसर सी लोकोमोटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है? राइट आंसर सी कट ऑफ गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है? राइट आंसर डी बहुमंजिला भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए PVC नली का अधिकतम आकार क्या है? राइट आंसर सी 25 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है? राइट आंसर सी बिजली के व्यतिकरण से बचे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय परिपथ का क्या नाम है? राइट आंसर सी, गोदाम प्रकाश वायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, हिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीबी का विस्तार क्या है? राइट आंसर बी, मिनी एचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर बी, अवशेष धारा को देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अतिभार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है? राइट आंसर सी, बेलनाकार पाइप पर बाह्य थ्रेड काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीलिंग रोज को सामग्री के किस वर्गीकरण में वर्गीकृत किया गया है? राइट आंसर ए, निर्गम सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर डी, किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल श्रृंखला एमसीबी के साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं? राइट आंसर ए, जनरल लाइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक विधि क्यों पसंद की जाती है? राइट आंसर बी, कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदर्शित चिन्ह एक्स क्या दर्शाता है? राइट आंसर ए, लिंब पर तारों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरिंग विधि का क्या नाम है? राइट आंसर बी, लूपिंग बैक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरेख का क्या नाम है? राइट आंसर ए, सीढ़ी वायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिले का प्रकार क्या है? राइट आंसर डी, विद्युत चुंबकीय रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ दोष लूप प्रतिबाधा की गणना करें यदि ईएलसीबी ट्रिपिंग करंट 30 मिली एम्पियर है। राइट आंसर बी, 1666 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वायरिंग का कौन सा प्रकार है? राइट आंसर वी, क्लिट वायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीआईएस के अनुसार कठोर कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई क्या है? राइट आंसर बी, 11 एमएम से 27 एमएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस टाइट विस्फोटक स्थापना के लिए किस प्रकार का कंड्यूट का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी, कठोर इस्पात कंड्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है? राइट आंसर सी, असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीवी में द्विधात्विक पट्टी का कार्य क्या है? राइट आंसर ए, अति भार से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है? राइट आंसर ए, झटके से सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है? राइट आंसर ए, क्लिट वायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर को कहाँ लगाया जाता है? राइट आंसर डी, सॉकेट संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने लिंक क्लिप बीआईएस नियमों के अनुसार कार्डबोर्ड बॉक्स में
पैक किए जाते हैं? राइट आंसर सी, सो क्लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरिंग सर्किट का अनुप्रयोग क्या है? राइट आंसर डी, एक लैंप उज्ज्वल और दो लैंप मंद संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाने का क्या कारण है? राइट आंसर सी, ऑडियो वीडियो सिस्टम में विद्युत हस्तक्षेप से बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध के मान का क्या होगा? राइट आंसर सी, घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर सी, निर्गम सामान। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक आवश्यक है? राइट आंसर बी, कार्यात्मक कुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है? राइट आंसर सी, सुरक्षा के सामान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ECC का विस्तार क्या है? राइट आंसर बी, अर्थ कॉन्टिन्यूटी कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैलोजन लैंप के लिए कौन सा प्रकार MCB उपयुक्त है? राइट आंसर बी, एल श्रृंखला MCB। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी, गोलित पेच होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, AWG का विस्तार क्या है? राइट आंसर ए, अमेरिकन बायर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, VIS प्रतीक का नाम क्या है? राइट आंसर सी, इंटरमीडिएट स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरेख का प्रकार क्या है? राइट आंसर ए, वायरिंग आरेख। VIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है? राइट आंसर डी, 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी, धरती के गड्ढों को हमेशा गीला स्थिति में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ प्रतिरोध परीक्षण का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए AC की आवश्यकता क्यों है? राइट आंसर डी, विद्युत अपघटय, विद्युत वाहक बल को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, AC एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है? राइट आंसर ए, वोल्टेज पाथ बराबर IR बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, IE नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? राइट आंसर डी, 3000 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? राइट आंसर सी, ऊर्जा मापी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? राइट आंसर ए, ध्रुवता जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है? राइट आंसर डी, 1/5000 गुणा पूर्ण भार धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविधता गुणांक की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर सी, डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर मिनिमम एक्चुअल लोड
बटे इंस्टॉलेड लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी मेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? राइट आंसर डी चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? राइट आंसर ए जनरेटिंग स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाना है? राइट आंसर बी कुचालक प्रतिरोध परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है? राइट आंसर सी उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाना है? राइट आंसर ए उपकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सी विधि सचित्र है? राइट आंसर बी विभव का पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईई नियम के अनुसार उदासीन संयोजन में हार्मोनिक विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जाए? राइट आंसर ए प्रतिबाधा के माध्यम से अर्थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्क्रमक का कार्य क्या है? राइट आंसर सी डीसी आपूर्ति को एसी आपूर्ति में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फायदा है? राइट आंसर बी अधिक लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? राइट आंसर ए दोहरी अर्थिंग प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति करने का क्या कारण है? राइट आंसर डी विद्युत अपघटय विद्युत वाहक बल को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगर उपयोग में नहीं है फिर भी क्यों सूचक पैमाना शून्य पर स्थिर नहीं है? राइट आंसर ए यह बल आघूर्ण को नियंत्रित नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक में ओम मीटर सुई के विक्षेपण किसके आनुपातिक हैं? राइट आंसर डी दो कुंडलियों में धारा का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर सी विभवपात विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है? राइट आंसर सी यह धारा वाहक चालकों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर बी दर्दनाक झटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, MCB के किस विद्युत उपकरण L श्रेणी का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए गीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पढ़ रहा है? राइट आंसर ए 0 मेगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिम्पिंग से क्या फायदा है? राइट आंसर सी ढीले संयोजनों को टालना। लुमिनस इंटेंसिटी की SI इकाई क्या है? राइट आंसर सी कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतु लैंप का
कार्यकारी तापमान कितना होता है? राइट आंसर डी 2300 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है? राइट आंसर डी बेरियम तथा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमबी प्रकार के उच्च दाब पारा बाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं? राइट आंसर डी कोई भी स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च दाब सोडियम बाष्प लैंप परिपथ में लीक ट्रांसफॉर्मर का क्या कार्य है? राइट आंसर डी प्रारंभ में उच्च वोल्टेज को देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक दो ट्यूब लाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कैसे कम होता है? राइट आंसर सी संधारित्र को एक ट्यूब लाइट के श्रेणी में संयोजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेशर की वर्तमान वहन क्षमता क्या है? यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट 100 मिली एम्पियर है। राइट आंसर डी 300 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? राइट आंसर बी इल्यूमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च दाब सोडियम बाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने वाले का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर डी शुरू करने पर उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त है? राइट आंसर बी अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च दाब धातु हैलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट गिलास से क्यों होती है? राइट आंसर डी लैंप से परावैंगनी विकिरण को कम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं? राइट आंसर डी चमकदार तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है? राइट आंसर बी लुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमकदार क्षमता की इकाई क्या है? राइट आंसर डी लुमेन प्रति वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम बल्ब में बाष्पीकरण की दर कम कैसे होती है? राइट आंसर ए एक्रिय गैस भरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है? राइट आंसर बी उच्च प्रकाश उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तक का नाम क्या है? राइट आंसर सी परवलयिक प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का नाम क्या है? राइट आंसर ए स्पॉटलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक HPSB दीपक में चौक के रूप में कार्य करता है? राइट आंसर सी रिसाव ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंप का नाम क्या है? राइट आंसर डी MA प्रकार HPMB दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है?
राइट आंसर ए प्रत्यक्ष प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है? राइट आंसर बी नियोन संकेत दीपक। एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? राइट आंसर बी विचलन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है? राइट आंसर बी ऊर्ध्वाधर स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमाने का नाम क्या है? राइट आंसर डी गैर रेखीय पैमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है? राइट आंसर ए उपकरण त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ओम और एक ओम से नीचे प्रतिरोध मान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर सी संट टाइप ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नत मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर डी दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है? राइट आंसर डी मैनगानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है? राइट आंसर ए विचलन बलाघूर्ण धारा के आनुपातिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि है? राइट आंसर डी रेंगने की त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सीटी की द्वितीयक कुंडली को खुला रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर डी सीटी की द्वितीयक कुंडली जल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संट प्रकार ओम मीटर से जुड़े परिवर्ती प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर डी पॉइंटर को शून्य समायोजन में समायोजित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी फास्फर ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करता है? राइट आंसर बी प्रेरण प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है? राइट आंसर ए किसी भी स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटर का नाम क्या है? राइट आंसर बी डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है? राइट आंसर डी स्पर्श रेखा गैल्वनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जाता है? राइट आंसर डी डिस्क पर दो छेद ड्रिल व्यास के विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल लोह प्रकार उपकरण का पैमाना असमान क्यों होता है? राइट आंसर सी विचलन बल धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है? राइट आंसर सी प्रभाव त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का वाट मीटर है? राइट आंसर बी
दो अवयव तीन कला बाट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है? राइट आंसर बी, चल लोह उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है? राइट आंसर सी, एकल चरण एकल अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति मीटर का प्रकार क्या है? राइट आंसर डी, यांत्रिक अनुनाद प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है? राइट आंसर बी, ओम प्रति वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में दो सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? राइट आंसर डी, रेंगने की त्रुटि को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंत्र का नाम क्या है? राइट आंसर ए, एब्सोल्यूट उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है? राइट आंसर डी, दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रोड का क्या कार्य है? राइट आंसर डी, एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है? राइट आंसर सी, कम संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंत्र का प्रकार नाम क्या है? राइट आंसर ए, आकर्षण प्रकार चल लोहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, टैकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल लोहो प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करें? राइट आंसर ए, कोई सिरा अंकन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? राइट आंसर डी, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है? राइट आंसर बी, विचलन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत उपकरण का क्या कार्य है? राइट आंसर सी, मात्रा को दर्ज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करने वाला एक उपकरण किस स्थिति में सटीक रूप से पढ़ता है? राइट आंसर बी, ऊर्ध्वाधर स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रोडायनमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? राइट आंसर ए, शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त करें? राइट आंसर बी, उच्च आगत प्रतिबाधा रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिली एम्पियर मीटर के साथ 10 मिली एम्पियर मापने के लिए आवश्यक संट प्रतिरोध के मान की गणना करें। राइट आंसर ए, 3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर सी, नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत इस्त्री के भाग का नाम क्या है? राइट आंसर ए, सोल प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोवेव ओवन में सिटर मोटर का कार्य क्या है? राइट आंसर डी, घूमता है
और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीजर में यू वेंड का क्या उद्देश्य है जो एक्स के रूप में चिन्हित है? राइट आंसर ए, पानी की निकासी को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एसी एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए कौन सा स्थान है? राइट आंसर बी, स्थिति दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी, उत्पन्न ऊष्मा बराबर आई स्क्वायर आर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 वाट 240 वोल्ट के विद्युत हीटर में उत्पन्न गर्मी की गणना करें। हीटर ने 5 मिनट के लिए काम किया। राइट आंसर सी, 71.6 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटर वेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर बी, ऊष्मीय अवयव को दृढ़ता से रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर डी, अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है? राइट आंसर डी, 3.2 वोल्ट एसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सर में क्या खराबी है? राइट आंसर ए, फटा हुआ ब्रश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल कला पंप मोटर में दोष क्या है यदि यह धीमी गति से चलता है? राइट आंसर ए, दोषपूर्ण संधारित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का कार्य क्या है? राइट आंसर ए, धारा वापसी पथ प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है? राइट आंसर सी, दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूल्हे चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर सी, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट का नाम क्या है? राइट आंसर ए, इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक। उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज और माध्यमिक वोल्टेज के बीच क्या संबंध है? राइट आंसर ए, E1 बराबर B1 और E2 बराबर B2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है? राइट आंसर डी, लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है? राइट आंसर ए, ताम्र हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत बी नियमन की गणना करें। यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट है और पूर्ण भार वोल्टेज 220 वोल्ट है। राइट आंसर डी, 9.09%।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर डी, भंवर धारा हानि को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है? राइट आंसर ए, तेल प्राकृतिक ठंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है? राइट आंसर सी, ताम्र हानि बराबर लोह हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या है? राइट आंसर बी, अति भार की स्थिति में सक्रिय करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है? राइट आंसर डी, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है? राइट आंसर डी, अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ लोड टेप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है? राइट आंसर सी, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है? राइट आंसर डी, बुखोल्ज रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है? राइट आंसर सी, कला अनुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? राइट आंसर ए, वायु कोर ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर सी, विभव ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए व्रीडर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है? राइट आंसर ए, सिलिका जेल का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है? राइट आंसर डी, कोर हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के तेल के क्रेक्टल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है? राइट आंसर बी, नमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? राइट आंसर बी, कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट बेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर सी, दबाव छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले का कार्य क्या है? राइट आंसर डी, अति भार और लघु पतन दोनों से सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है? राइट आंसर ए, उच्च प्रेरण देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक
और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े हुए हैं? राइट आंसर डी, तीन कला चार तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श दो बाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है? राइट आंसर बी, अन्योन्य प्रेरित ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें? राइट आंसर सी, लघु परिपथ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? राइट आंसर ए, नियत हानि को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फायदा है? राइट आंसर ए, तांबे के उपयोग को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए व्रेदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, सिलिका जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? राइट आंसर डी, द्वितीयक बाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, तेल प्राकृतिक हवा प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है? राइट आंसर सी, स्टील 93% और सिलिकॉन 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली ट्रांसफार्मर में टेप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर बी, वितरण में वोल्टेज अनुपात बदले। दोस्तों, अगर आपको ITI इलेक्ट्रिशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर के लिए निम्मी मॉक टेस्ट क्वेश्चन की सीरीज पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।